थैंक यू वेरी मच शिवशंकर जी। सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराइए कि आपको एक और दिन मिला है कुछ करने के लिए अपनी जिंदगी में। मुस्कुराइए कि बाकी दुनिया जब और चीजों में व्यस्त है, आप सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, तो अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग करिए मुस्कुराते हुए, खुद के लिए खुश होते हुए कि हम इस दुनिया में कुछ और बेटर करने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है। साथियों, जैसा कि हम सारे साथी जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये है कि मिस्टेक्स मेक परफेक्ट, यानी गलतियां जो है वो हमें और महानता की तरफ ले जाती हैं। मिस्टेक्स तो उसके ऊपर छोटी छोटी कुछ चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और आज सुनेंगे, क्योंकि आज का इंटरेक्टिव थोड़ा सेशन को रखेंगे। तो आप भी अपनी जिंदगी की कुछ चीजें अगर ऐसी हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बोला जाता है कि देखिए, सबसे बड़ा सफलता और असफलता के बीच में एक बाधा जहां पे आती है कि बहुत बार की सब परफेक्ट बनेंगे तो उसके बाद में जो है कुछ चीजों को करेंगे। अगर ऐसा होता तो हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति जो पहले बच्चे थे, हम सब बच्चे थे, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम सारे लोग बच्चे थे। आज से किसी की उम्र यहाँ पे जो 20 साल का है या 25 साल का है या 40 साल का है या 50 साल का है या 45 साल का है या 55 साल का है, खुशी की बात यह है कि हम सारे लोग बच्चे थे और हम सब ने जो है गिर गिर के चलना सीखा है। आपने अगर छोटे बच्चे को, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि आप अगर छोटे बच्चे को देखें तो वो सबसे पहले, चलने से पहले जब रेंगना शुरू करता है तो वो ट्राई करता है सामने की तरफ, जाता है पीछे। ऐसे ही हमारे हर चीज में होता है। बहुत सारे साथियों के बिजनेस में जब ये चीज होता है, उनको बोले ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बच्चे की वो प्रक्रिया नहीं देखी। बच्चा जब चलने की कोशिश करता है सामने की तरफ हाथ ऐसे फैलाता है, लेकिन पीछे की तरफ उसके पैर ले जाते हैं क्योंकि उसको बैलेंस नहीं करना आता है। तो वहां पे जो है उसको पीछे ले जाते हैं। दुनिया के एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, वो अभी तो इस दुनिया में नहीं है, स्टीफन हॉकिंग। उनका एक जो है, मतलब वो पैरालिसिस थे और उन्होंने जितना बड़ा योगदान दुनिया को दिया है, वो एक बहुत बड़े, हम लोग ऋणी हैं उसके। उन्होंने बताया अपनी चीज को कि भाई आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आप पैरालिसिस हैं, आप बहुत कुछ हिल डुल नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी आप नया कुछ करने की रोज कुछ सोचते हैं, तो ये क्यों, कैसे सोचते हैं, किस चीज से आते हैं? तो उन्होंने, उनका एक आधार वाक्य है, उसको मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों में से एक ही है कि कुछ भी पूर्ण नहीं है। मतलब पूर्ण कोई भी चीज नहीं है, अपूर्ण है। तो पूर्ण नहीं है तो उसको पूर्ण बनाने के लिए उसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पूर्णता का अस्तित्व ही नहीं है, अपूर्णता के बिना न तो आप मौजूद रहेंगे और न ही मैं रहूंगा। तो दुनिया में कोई भी चीज जो है कंप्लीट नहीं है। कंप्लीटनेस जो है वो ही बताती है कि साहब गलतियां करने का कोई रास्ता नहीं है, कोई आधा, कोई आपके पास जो है कोई भी वे नहीं है आपके पास। तो दुनिया में कोई चीज पूर्ण है ही नहीं, तो हर चीज जो है अपूर्ण है। एक बच्चा, हमने बात किया कि जब चलने की शुरुआत करे, अगर हम देखें वो सीधा खड़ा हो जाए, नहीं होगा। वो बोलने से पहले वो बार बार बच्चा जो है बोलने की कुछ कोशिश करता है। हम अपने बच्चे, छोटे बच्चे को बोलते हैं तो क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। मतलब वो अपने फ्लो में, कब, जब 6-8 महीने उसको बोलते हो जाते हो, अपने फ्लो में कोई चीज बोलता है, हम बोलते पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, फिर बोलता है। लेकिन उससे भी पहले जब उसने बोलना शुरू किया, तो माँ ने कितनी बार उसको बोला, बोल बेटा माँ। मतलब हजारों बार उसको बोला। अगर उसको ये, माँ को ये लगता कि ये बोलता नहीं है, इसको मैं क्या सिखाऊं, ये तो बार बार मिस्टेक कर रहा है, बार बार कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो बच्चा कब माँ बोल पाता। लेकिन माँ को बिलीव था एक दिन जरूर बोलेगा। तो मिस्टेक्स जो है ना, वो हमें परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन कब कब नहीं होते हैं। गलतियों को दोबारा से, हम अगर उसी गलती को दोहराते हैं तो ये मिस्टेक आपको परफेक्ट नहीं बनाती है, ये आपको असफलता को स्वीकार करने की एक जो है आत्मसात करने की चीज देती है। तो गलतियां करिए, बार बार करिए। अगर कोई व्यक्ति घोड़े से गिरा नहीं है, इसका मतलब वो घोड़े पे चढ़ा नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि घोड़े से गिर के चढ़ के गिरेंगे,
लेकिन एक व्यक्ति जो कभी भी घोड़े पर नहीं चढ़ा उसकी 100% संभावना है कि वो कभी भी घोड़े से नहीं गिरेगा, 100%। लेकिन एक व्यक्ति जो घोड़े पर चढ़ने के रिस्क लेता है उसके पास संभावना है कि वो गिर सकता है उससे, लेकिन सवार भी वही बनता है। जो आदमी कभी घोड़े पर चढ़ा नहीं वो घोड़े का सवार नहीं हो सकता है, वो घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कभी नाव में बैठा नहीं उसके डूबने की संभावना जो है नाव में चलते व्यक्ति की अपेक्षा 100% जो है कम है, 100% कम है, क्योंकि वो कभी नाव में ही नहीं बैठा। तो उसके लिए उतनी ही संभावना यह है कि वो कभी भी जो है नाव में, उसको नाव का क्या एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। ठीक यही चीज अगर हम हमारे बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर दही एक रिस्क नहीं, दही जब बनता है उससे पहले क्या है, दूध है, दही के बाद में मक्खन, आपका घी निकलता है, तो एक प्रोसेस है। ये मिस्टेक्स का जो है ना पूरा का पूरा एक खजाना है। दूध के अंदर जब हम एक जामुन डालते हैं, क्या अलग अलग जगह कुछ कुछ बोलते हैं उसको, मतलब छाछ का एक छोटा सा या दही का एक हिस्सा डालते हैं गर्म दूध के अंदर, ठंडे दूध का दही नहीं बनता है। अगर जितने भी साथी हमारे जितने भी लेडी लीडर हैं सब जानते हैं, हमारे जेंट्स भी जानते हैं, बहुत सारे साथी जानते हैं कि दूध का दही बनने की प्रक्रिया क्या है। गर्म गर्म दूध में ही जो है वो थोड़ा सा दही या छाछ उसके अंदर डाला जाता है, फिर उसको कवर करके रख दिया जाता है, और एक प्रक्रिया में वो जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। दही में कन्वर्ट होने के बाद उसका फिर मथना पड़ता है। वो बोला मैं तो दही बन गया, मैं तो हो गया परफेक्ट, नहीं, फिर उसका मथना होता है। मथने के बाद उसके दो हिस्से बन जाते हैं, एक तरफ छाछ बन जाती है, बटर मिल्क बन जाता है, एक तरफ घी निकल के आता है, फिर भी वो परफेक्ट नहीं है, कच्चा घी उसको बोलते हैं। हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, इधर दिल्ली में उसको जो है लूनी घी बोलते हैं, कच्चा घी। उसको फिर मथना होता है, फिर उसको आग के ऊपर तपाते हैं, फिर उसको आग का जो है बहुत खोलता है, खोलने के बाद उसका कच्चा वाला जो हिस्सा है वो कुछ ऊपर आ जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, वो परफेक्ट जो है घी बन के तैयार होता है। अगर ये प्रक्रिया की साहब ये तो दूध खराब हो जाएगा, ये तो दही खराब हो जाएगा, ये तो घी इस प्रक्रिया में हो जाएगा, तो वो घी नहीं बनता वहां पर, वो एक प्रक्रिया को लेके आया। तो इसलिए उस प्रक्रिया को जो चीज करता है वो ठीक, वो एक छोटे बच्चे के चलने वाली चीज यही है। आप में से बहुत सारे लगभग साथियों ने साइकिल चलाई होगी, जिस साथी ने नहीं चलाई उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिन भी साथियों ने अपनी जिंदगी में साइकिल चलाई है उनमें से मेरे साथ ज्यादातर साथी होंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे कमाल किए हैं साइकिल चलाते हुए। मैंने सबसे पहले एक महिला को टकरा के उसका मटका गिराया है नीचे। मैंने ये साइकिल को जब चलाना शुरू किया था तो सबसे पहले अपने पैर के जो दोनों साइड के जो टखने होते हैं ना उनको, मतलब रोड पे इतनी बार मैंने साइकिल को गिराई है करके कि मेरे टखने में ऐसे ये जो है पूरा ब्लीडिंग हो गया था। मैंने एक गाय के बीच में ऐसे साइकिल को मारा है। तो जितने भी साथी हैं साइकिल चलाने वाले तो उन्होंने डेफिनेट रूप में जो है अपनी जिंदगी में मिस्टेक किए, तभी वो साइकिल चलाना पड़े। लेकिन मेरे पास दो चॉइस थे कि भाई साइकिल नहीं चलाएंगे या साइकिल चलाएंगे, क्योंकि साइकिल चलाते चलाते साइकिल की सवारी करते करते ही आप जो है आगे बढ़ते हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो जिन साथियों ने आज तक कोई भी साइकिल से गिरा नहीं या साइकिल किसी से टकराई नहीं उनको वो मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में उस रिस्क को नहीं चुना। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कुछ भी रिस्क ही नहीं लेने देते हैं, कोई भी चीज, कह रहे ये मिस्टेक हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, बच्चे का ऐसे हो जाएगा वैसे। आप देखिए जितने भी बच्चों को, दो किस्म की चीजें आप नोट करिए आपकी सराउंडिंग में। पहला, जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा केयरफुल है अपने बच्चों को लेकर, हर चीज के ऊपर, छोटी छोटी चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं, वो बच्चे बाद के दौर में जाके सबसे ज्यादा फेलियर होने वाले बच्चों में उन बच्चों की काउंटिंग होती है। सबसे ज्यादा वो सोसाइटी में बोलना कम शुरू कर देते हैं, बिल्कुल कम बोलते हैं, मिलना जुलना उनका कम हो जाता है, बाहर निकलना कम हो जाता है, मतलब एकदम सही बच्चे हो जाते हैं, और उनका एक्सपोजर जो है वो लगभग 5% 10% या 0 भी होता है। उनके दोस्त नहीं बनते हैं, उनका कोई भी जो है सराउंडिंग में कोई उनका इंटरेक्शन नहीं है, और धीरे 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 वो बच्चे जो है फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है, जब भी बच्चा कोई चीज करता है, तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, जितने भी पेरेंट्स ये करते हैं
आप देखिए धीरे 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 वो बच्चों की स्थिति उसी रूप में हो जाती है। आप देखिए कि बहुत सारी चीजें वो बच्चे जो आपने देखे होंगे कि अपनी अभी तो बहुत सारा क्लास का जो है दर्जे बदल गए, कोई किंडरगार्टन है, प्ले स्कूल है, फिर केजी है, एलकेजी है, यूकेजी, बहुत सारी क्लास बन गई। लेकिन जिस जमाने में हम पढ़ के आए उसमें एक ही होता था कि पहली क्लास होती थी, फिर दूसरी होती थी, फिर करके। तो वो पहली क्लास वाले जो बच्चे होते थे उनके पास टीचर्स भी बहुत कम होते थे, पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि अभी बहुत आसान हो गया है, हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड हो गई है चीजें, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी है, मदर पेरेंट्स के पास भी एक टाइम आ गया, वो भी बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो उस टाइम पे जो बच्चे बहुत बदमाश, जिनको बदमाश कैटेगरी में रखा गया था क्लास में कि यार ये बहुत उद्दंड है, आप अगर उठा के अपना ध्यान उठा के देखेंगे उनमें से ज्यादातर बच्चे जो है सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, क्योंकि उनका एक्सपोजर हुआ, उनके पास मिस्टेक करने की ज्यादा संभावनाएं थी, बार 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 मिस्टेक करते थे। आप में से पता नहीं, अब तो शब्द विधि आ गई है पढ़ाने की, पहले जो है पूरा का पूरा इसके ऊपर चलता था, बारखड़ी, पहाड़ा, आपका टेबल्स, बच्चे रोज जो है छुट्टी होने से पहले पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के बच्चे जोर जोर से बोलते थे, रेगुलर रेगुलर बोलते थे, चिल्ला चिल्ला के, और करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजाने, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो बच्चों को अपने आप ही वो सारी चीजें आने लग जाती थी धीरे धीरे, क्योंकि रोज 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 ये चीज चलती थी, कंटिन्यू चलती थी। उनमें से कितने बच्चों ने कितनी बार जो है ए बी सी डी या कह खे गए को बोलने में, या आपका जो भी लैंग्वेज में जो बुलाया गया, कितनी बार मिस्टेक की होंगी, कितनी बार मिस्टेक की होंगी, लेकिन मिस्टेक 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 को सुधारते 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 आगे बढ़ते चले गए। तो ये चीजें जो है वो उन बच्चों की जो जिन्होंने ये मिस्टेक करने का जिनको मौका मिला, दूध को दही बनने का मौका मिला, साइकिल सवार को गिरने का मौका मिला, बच्चे को चलने का मौका मिला, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन हमारे बिजनेस में अगर हम इस चीज को बात करें तो हम क्या गलतियां करें, हम सबसे पहले क्या गलतियां करें, हमको गलतियां, जो साथी आज गलती नहीं कर रहे हैं वो वहीं रहेंगे जहां पे हैं। तो हमारा बिजनेस हमको कुछ चीजें देता है जिनकी गलतियां हमें करने की जरूरत है, हमको सबसे पहले प्लान सीखने की गलती करनी है, लेकिन उससे भी पहले एक और गलती करनी है, वो है कि बेटा हमको सिखाया जाता है तुम्हारी औकात नहीं है, जितनी तुम्हारी चद्दर, तुम्हारी कंबल, जितनी तुम्हारी रजाई अलाउड करती है उतने पैर पसारो। क्या हम जो आज तक जो हमको बताया गया, क्या उससे थोड़ा सा लंबा पैर पसार सकते हैं हम लोग? मतलब क्या हमारे घर में कभी एक कार नहीं आई, फोर व्हीलर नहीं आया, क्या हम सोच सकते हैं कि मेरा फोर व्हीलर आएगा एक तारीख के साथ, मेरी एक गाड़ी आएगी, मेरे परिवार में एक गाड़ी आएगी? क्योंकि आप दोस्तों, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले आपका ड्रीम अगर है कि भाई मेरे फैमिली में कोई कार नहीं ले पाया, तो क्या आप भी नहीं ले पाएंगे? आप उस मिस्टेक को यहां पे सुधार सकते हैं सबसे पहले उसको लिख के। तो लिखने से पहले क्या करना है, आपकी फैमिली में अगर किसी ने आज तक डायरी नहीं ली, किसी ने डायरी नहीं ली, तो आप एक मिस्टेक करिए कि आप एक डायरी लीजिए। आपने अगर डायरी आप रखते हैं, आपकी फैमिली में किसी ने कार लेने की मिस्टेक नहीं की, तो आप कार लेने का एक मिस्टेक करिए। आप मतलब उसका एक ड्रीम लिखिए कि भाई ये तारीख में मेरी कार आएगी माई रिचार्ज के बिजनेस के थ्रू। आप बाइक लिख सकते हैं, आप घर लिख सकते हैं, आप अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को कोई चीज गिफ्ट करना चाहते हैं, बच्चों की एडुकेशन के ऊपर, मतलब ड्रीम्स में वो ड्रीम जो आज तक पूरे नहीं हुए। और हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये चीजें दूसरों के लिए हमारे लिए नहीं है, क्या वो एक हम मिस्टेक कर सकते हैं, क्या वो एक गलती कर सकते हैं क्या, पहला चीज। दूसरा चीज है, क्या प्लान सीखने की हम मिस्टेक कर सकते हैं क्या? बहुत सारा साथी ऐसा है जो इस बिजनेस में बहुत सारे टाइम से है, लेकिन उनको प्लान दिखाना नहीं आता। टूल्स मेक पीपल एंड पीपल मेक बिजनेस, इस चीज को ध्यान रखिए। आपका टूल्स जो है वो ही आपके जो है लोगों का निर्माण करता है, और लोग जो है वो बिजनेस का निर्माण करते हैं। अगर आपकी टीम में आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगा, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारी टीम में कितने साथी, हमारा सपना है कि साहब कोई भी ऑफर आता है, कोई भी चीज आता है कंपनी में, कार फंड है, हाउस फंड है, ट्रेवल फंड है, हम लोग इसको अचीव कर ले, लेकिन अचीव नहीं कर पाते। कोई ऑफर आता है, हम अचीव करेंगे सर पहली तारीख को, हम बोलते हैं, फिर अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो
टूल है यहाँ पर क्या, पीपल, हमारे लोग जो है वो उस रूप में उनके सपने बड़े नहीं है या तो, या उस सपने के लिए वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले सपना, उसके बाद में हमको हमारी टीम में कितने साथी प्लान दिखाना आता है, क्योंकि सबसे पहले कुल्हाड़ी को धार देंगे तभी तो काटेगी, कुल्हाड़ी को धार देना जरूरी है तो प्लान सिखाना पड़ेगा। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीन बार गलत होगा, चार बार, इन हाउस जो है, इसलिए मैं बोलता हूँ पांच साथी आपकी टीम में है, पहला जिनको परफेक्ट आता है वो दिखाइए प्लान, बैठ के उन चार को, फील्ड को छोड़ दीजिए, अपनी टीम को, और उसके बाद में उन चारों से आप प्लान देखना शुरू करिए, वो आपको दिखाएंगे, दूसरा तीसरे को, तीसरा, वो पांच लोग बैठे हैं, पांच ही लोगों की वर्कशॉप चल रही है आपकी, तीन घंटे की, खाना पीना भी हो रहा, सब कुछ हो रहा, तीन घंटे चार घंटे, वो एक पूरा दिन आप लगाइए, आपको लगता है कुछ सुधार हुआ, फिर आप जो है एक वीक बाद में उसको साथ लगा सकते हैं, या आप फिर उनके साथ गए जाके, जैसे कि पारिया जी बताते हैं कि भाई आपको दिखाना है, मैं दिखाऊंगा, आपको देखना है, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं हम कि हमारा डाउनलाइन और तो समझता है कि ये काम मेरे अपलाइन का है, सर मैंने तो कुछ लोग मिला दिया, आप प्लान दिखाइए, और वो फोन के ऊपर बात कर रहा है, तो ये इस प्रक्रिया में वो कभी लीडर नहीं बनेगा। आपके जो 12 पिलर चाहिए वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस कब बढ़ेगा, जब एक एक लेग का एक एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हमारी टीम में खड़ा होगा। तो वो कब खड़ा होगा, जब हम लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को खड़ा करेंगे, लोगों को डुप्लीकेट करेंगे। तो प्लान सो करना आना सबसे कंपलसरी है इस बिजनेस का, कि वो आए उन लोगों को जिनको लेके आपको लगता है कि इनके थ्रू हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। तो इसमें ये मिस्टेक हमको करना पड़ेगा, इस मिस्टेक को हमें सोचना ही पड़ेगा। दूसरा है कि वो जाके प्लान सो करें, तो प्लान सो पहले दिन में नहीं होगा, आप पहले साथ जाएंगे, उसके बाद में आप प्लान शो करेंगे। लेकिन बहुत सारे सीनियर बोलते हैं कि सर मैं जाता हूं तो बिजनेस बहुत शानदार चलता है, या वो हमारा टीम वाला बोलता है कि सर आप आते हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। इसमें गैप कहाँ है? इस गैप को जब तक हम फिल नहीं करेंगे, आप उस अगले लेवल पे नहीं जा सकते। उस मिस्टेक को हमें कराना पड़ेगा जो हमने अपनी जिंदगी में की थी। हमने प्लान दिखाया तो हमसे भी नहीं ज्वाइन किया था, पहला प्लान दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया। कुछ कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 30-30 प्लान दिखाया, एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मिस्टेक्स मेक परफेक्ट, उनको वो रोज सीख रहे थे। बाद में एक दौर ऐसा आया कि 10 लोगों को प्लान दिखाया, 8 लोगों ने ज्वाइन किया, 10 में से 10 लोग ज्वाइन नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन 10 में से 8 ने ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि जब वो प्लान दिखा के फेल हो रहे थे तो वो अपने आप को परफेक्ट कर रहे थे। मिस्टेक्स मेक परफेक्ट, हर बार वो अपने आप को एनालिसिस कर रहे थे कि मैंने ये प्लान दिखाया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, क्यों? अपने से पूछा, अच्छा ये चीज को सुधार करने की जरूरत है, ये चीज सुधार करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमको ये चीज निकालनी पड़ेगी कि मैं जाता हूं तो बिजनेस होता है, मैं नहीं जाता हूं तो बिजनेस नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि साथी आपकी टीम में आपका जो डुप्लीकेशन है वो आप जैसा नहीं हो रहा है, उसको डुप्लीकेट होने में, आप जैसा होने में टाइम लगेगा, लेकिन उस प्रक्रिया को भी तो करना पड़ेगा। आपको बहुत खुशी होती है, आपका डाउनलाइन बोलता है आप प्लान दिखाइए सर, आप बहुत खुशी से प्लान दिखाते हैं, लेकिन डाउनलाइन कब दिखाएगा प्लान? कब? 2023 में दिखाएगा, 24 में, 25 में, 26 में, 28 में कब दिखाएगा? कोई तारीख तो लिखिए, कोई चीज तो बनाइए कि इस तारीख में। अगर वो नहीं दिखाने में कैपेबल है तो रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, उस लेग में दूसरा और व्यक्ति उनके नीचे लेके आना पड़ेगा आपको। तो ये मिस्टेक आपको करनी पड़ेगी। अगर ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो हमने जो कार का सपना लिखा है, उस मिस्टेक को जो हमारी पीढ़ियां नहीं ले पाई थी, उसको जो हम पूरा करना चाहते हैं, और आपके पास अगर अभी कार है तो अगला मॉडल लिखिए, और अगर अच्छी कार है तो और बड़ा मॉडल पे लिखिए कि वो कैसे आएगी। तो ये आएगी यहां पर इस मिस्टेक को ठीक करने से, कि हमको प्लान दिखाना शुरू कराना पड़ेगा हमारी टीम में। आज के दिन में आपको लिखना है कि भाई ये वो कौन सा व्यक्ति है जिसको मुझे तैयार करना है, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं करेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। इस चीज को सबसे बड़ी चीज है। दूसरी एक चीज और है जिसको कि हम दो तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे, फिर मैं आपके साथ जो है आऊंगा यहां पर। दूसरी एक चीज है, हमारे बहुत सारे साथी स्ट्रेंजर से इसलिए बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं हुआ। आप अपना एक्सपोजर रोज करिए कि कोई आदमी मिले मैं पहले से बोलने की शुरुआत करेंगे, मुस्कुरा के उनकी तरफ देखने की शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा उनके साथ जो है इंटरेक्शन लाने की शुरुआत करेंगे। जितने लोग ये मिस्टेक करते हैं, आप देखिए आपकी सोसाइटी में, आसपास में
एक व्यक्ति ऐसा है कि वो बहुत सारे लोगों से बात कर लेता है, पांच लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, दस लोग ऐसे हैं जो बहुत कम लोगों से बात करते हैं। तो ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत कम लोगों से बात करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सब लोगों से बात करता है उसको हर व्यक्ति जानता है। देखिए कि अच्छा वो भला व्यक्ति, अरे यार बहुत मिलनसार आदमी, अरे यार वो बहुत हेल्पफुल आदमी। तो क्या हम एक मिस्टेक हमारी जिंदगी में इसको कर सकते हैं कि हम अजनबियों से हमारा बात करने का जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाएंगे? अगर उसको बढ़ाएंगे तो हम एक दायरा तोड़ेंगे, क्योंकि एक मेंढक जो है कुएं का, वो कुएं का मेंढक है, वो उसको पूरी दुनिया लगती है इस कुएं में ही है। लेकिन कुएं का मेंढक जो है, जब समुद्र में उसको एक तालाब में डाल दिया, बोला ना कितना पानी, ओ कितना कितना कितना, उसी मेंढक को अगर समुद्र में डाल दे तो वो पागल हो जाएगा, ओहो क्या क्या कितना पानी है, क्या बात है, मैं तो पूरा उसी में देख रहा था। तो जब हम अपने एक दायरे में, बहुत सारा साथी बोलते हैं सर लोग नहीं है मेरे पास, 1,50,00,000,000 लोग हैं इस इंडिया में, हमको 1,50,00,000,000 लोगों की टीम नहीं बनानी है, हमको 8-10 कुछ अच्छे लोग चाहिए, जो हमने बात किया था कि हे ईश्वर मुझे सिर्फ 8-10 ऐसे कुछ लोग दो जिनको मैं संभाल पाऊं। तो वो संभालेंगे कब? जब हमारी कैपेसिटी हम डेवलप करेंगे तभी तो संभालेंगे। सबसे पहले हमें वो कैपेसिटी डेवलप करनी है। कब? जब हम मिस्टेक करेंगे, जब हम गलतियां करेंगे। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में गलती नहीं करता, मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, वो जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं करते हैं। गलतियां करने का अवसर दीजिए खुद को भी और टीम को भी। एक व्यक्ति बोलता है जिस दिन तक तुम डायमंड डायरेक्टर नहीं हो जाओगे तुम इस जूम में नहीं बोलोगे, तुम मीटिंग में नहीं बोलोगे। वो कभी बोलेगा ही नहीं दोस्त, कभी नहीं बोलेगा। आप उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलने दीजिए ना, वो रॉयल्टी मेंटेन नहीं हो रही, बोलने दीजिए भाई, वो सिल्वर बना रहा, बोलने दीजिए, बोलते बोलते बनाएगा वो, और भी लोग देखेंगे उनको, बहुत सारा सराउंडिंग है, बहुत सारी टीम है उनकी टीम एक्सपेक्ट कर रही है उनसे। बोलो नहीं, तुम तब तक नहीं बोलोगे जब तक तुम डायमंड नहीं बन जाते, तुम तब तक नहीं बोलोगे जब तक कि ये लेवल पे नहीं पहुंच जाते, तुम तब तक नहीं बोलोगे जब तक ये नहीं कर लोगे। ये जो एटीट्यूड है, ये उस व्यक्ति को जो एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता था उसको आप प्राइमरी लेवल पर खत्म कर देंगे, उसको एक ऐसे लेवल पर खत्म कर देंगे जहां पर जो है उसके सपने वहां पर दब जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जब बच्चा कुछ भी घर में बोलता है, हम बोलते हैं तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुमको नहीं बोलना है, तुमको नहीं बोलना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है। मेरे एज में, क्योंकि मैं तो उद्दंड टाइप का बच्चा था, मैंने तो जानता हूं, और मैंने बहुत सारे साथियों से बात करके देखी। इसमें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि आजकल तो खैर नया जमाना आ गया तो बहुत सेफ्टी उपकरण आ गए, हमारे जमाने में जो है बिजली जो है बहुत सारी जगह पर नहीं, मेरे गांव में तो एकदम नहीं आई थी, जयपुर में तो मैं लास्ट 32 ईयर से रह रहा हूँ, छोटे बच्चे थे तो हमारे गांव में जब बिजली आई थी तो हमको बिलीव नहीं होता था उसका करंट लगने से करंट लगता है कैसे करता है। तो ऐसे ऐसे जो प्लग आता था, इसका जो ब्लब लगता था, अब तो पूरा चेंज हो गया, वो वैसे वाला ब्लब आता था, उसके प्लग में ना ऐसे उंगली लगा के देखते थे जब करंट लगता था। मेरी पीढ़ी के मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, आपने कभी करंट लगा के देखा? बोला हाँ देखा। तो ये मिस्टेक जो है ना वो परफेक्ट बनाती, जैसे ही उसने मिस्टेक किया ना करंट, तो हमको आभास हो गया अरे हाँ यार इसमें तो करंट आता है, तो हमारे पास एक अनुभव आ गया उसका कि हाँ करंट लगता है। तो आपकी टीम में उस साथी को आप करंट नहीं लगने देंगे, एक्सपोजर नहीं होने देंगे बोलने छोटे छोटे रूप में। इसलिए मैं बोलता हूं कि लीडरशिप के 17 जो क्वालिटी है, आप नए लीडर बनाना चाहते हैं तो बार बार बोलने का मौका दीजिए, जहां पे भी मौका मिले वहां पे दीजिए। हाँ, आपकी एक होम मीटिंग चल रही है, 20 लोग आए, तो वहां पे आपकी टीम का सबसे परफेक्ट व्यक्ति जिसको प्लान दिखाना आता है उन्हीं को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक्सपोजर है वहां पे। लेकिन आपका एक छोटा सा आपका आपस में एक ग्रुप मीटिंग हो रहा है, या आपका कोई सेमिनार में हो रहा है, एक एक मिनट, आधा आधा मिनट, बहुत सारे साथी जो है सिर्फ अपना नाम ही बोल पाते, लेकिन स्टेज पे आके तो बोला वहां पे, डे वन में नहीं करेंगे लेकिन करत करत अभ्यास के वो भी स्पीकर हो जाएंगे। जब स्पीकर हो जाएंगे उनकी चेतना भी डेवलप होगी कि रॉयल्टी भी बनानी है। रॉयल्टी कैसे बनती है? सिल्वर से गोल्ड भी जाएंगे, गोल्ड से सेफायर भी जाएंगे, सेफायर से एमरल्ड भी जाएंगे, एमरल्ड से दोस्त डायमंड भी जाएंगे, डबल डायमंड भी जाएंगे, कार भी होगी, घर भी होगी, फॉरेन टूर भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मिस्टेक्स जब तक हम नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में, तो ये चीज को कि तीसरा जो चीज की हमारी टीम में हम लोगों को मौका दे सकते हैं कि मिस्टेक करने का,
कि वो प्लान सीखे, वो प्लान दिखाएं, आपको ही दिखाएं, ग्रुप में दिखाएं। इस चीज को लेके हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब एक मिस्टेक जो है हमारे बहुत सारे साथी करने से डरते हैं, मतलब उनको पता भी है इसको, और वो मिस्टेक है कि डायमंड क्लब को जब हम बात करते हैं ना, तो जितने भी साथी डायमंड क्लब कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने इस मिस्टेक को सुधार लिया अपने अंदर, कि डायमंड क्लब बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसमें 6000 बीबी करना होता है, 15% इस पे कमीशन आता है, इसमें जो है वन नाइट टू डे का जो है हमको 5 स्टार में जाने का मौका मिलता है, इसका अपना एक रेपुटेशन है, डायमंड क्लब करने वालों को कंपनी में जो है एक बहुत और बेटर ढंग से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको देखा जाता है इस रूप में। वो उन लोगों के लिए डायमंड क्लब कुछ भी मुश्किल नहीं। कुछ साथी को जैसे डायमंड क्लब की बात करते हैं, उनको लगता है कि ये शायद मेरे को घेर लिया गया, मैं कैसे बताऊंगा इस चीज को, उनके गले से आवाज अटक जाती है। क्यों अटक जाती है पता है? सपना छोटा है। सपना जिस दिन बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन आप अपने से जैसे या अपने से और ज्यादा क्वालिफाइड लोगों को ढूंढना शुरू कर देंगे, जिनके लिए डायमंड क्लब कोई चीज है ही नहीं। आप बताएंगे, वो अपने आप ही अपनी लिस्ट बना के दे रहे हैं घर से कि हम ये सामान लेंगे। आपको पता चला वो 5000 बीवी का हो रहा है, वो 7000 बीवी का, उनको डायमंड क्लब भी नहीं पता, उन्होंने बताया। क्योंकि हमारा जो हमने एक मिस्टेक की थी कि साहब मैं ये घर जो है हमारी फैमिली के लिए बनेगा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, हमारे बच्चों की अच्छे से शादी होगी धूमधाम से, मेरी वाइफ को मैं ये गिफ्ट करने वाला हूँ, मेरे हस्बैंड को मैं ये गिफ्ट करने वाली हूँ। जब ये चीजें जब हमारे अंदर, मेरे पेरेंट्स को जो है हम लोग जो है आज तक हो सकता है वो कहीं घूमने नहीं गए, लेकिन हम एक घूमने का उनको जो है उनको 4 धाम कराने का मौका देंगे, उनको हज पे भेजेंगे, जब ये चीजें जब हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं, तो हम वो मिस्टेक्स करना शुरू करते हैं, हम डायमंड क्लब कराने की मिस्टेक करना शुरू करते हैं, खुद डायमंड क्लब करने की मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक्स जो है, जो साथी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उनको सबसे पहले मिस्टेक करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक दोस्तों हम मिस्टेक करेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। जिसने जितनी ज्यादा मिस्टेक की वो उतना आगे बढ़ा। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक ही मिस्टेक को अगर हम बार बार करेंगे, क्योंकि एक साथी का बीच में मैं देख रहा था, कुछ सवाल जवाब जब आते थे कि साहब मेरी दूसरी लेग नहीं चल रही, मेरी दूसरी लेग नहीं चल रही। कितनी बार बोलोगे भाई आप, पहली लेग क्यों चल रही है एनालिसिस करो। हर व्यक्ति ने, हर लीडर ने बताया, हर ट्रेनर ने बताया, पहली लेग कैसे चल रही है देखो। आपके कारण चली तो भाई वही काम आप दूसरी में करो, आपके कारण नहीं चली तो आप सीनियर के सामने जो है, जो 3 पावर है हमारे, उनमें से एक पावर ऑफ सबमिशन, सबमिट करो अपने आप को अपने सीनियर के साथ कि सर एक लेग चल रही है आपके, आपने जो डायरेक्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग, तो मेरी दूसरी तीसरी लेग कैसे चलाऊं उसका डायरेक्शन दो, बैठो जाके सबमिशन करो। पूछने से नहीं होगा, उस चीज को हमें देखना पड़ेगा, तब दूसरी लेग चलेगी, तब तीसरी लेग चलेगी। लेकिन मैं बार बार पूछ रहा हूं, अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो अप्लाइड नॉलेज नहीं हुआ ना। अप्लाइड करना पड़ेगा ना, मुझे जाके उसको सबमिट करना पड़ेगा सबमिशन के साथ जो है, और वो टीम में क्या चीज हो रहा है जो चल रही है दूसरे में नहीं, और बहुत बार नहीं भी चलती है, टाइम लगता है। एक दिन में जो है बोलते हैं हथेली के ऊपर सरसों उगाना, हथेली पे सरसों नहीं उगती है, इसीलिए कहावत बनी है, टाइम लगता है। पौधे को जो है, खरपतवार उगता है अपने आप ही, बहुत बार ऐसे उगता है, आपने देखा बहुत सारा आपके आसपास में बहुत चीजें इतनी तेजी से बढ़ जाती है, फिर घट भी जाते हैं, सिंक्रेनाइज हो जाते हैं, 6-6, 4-4 महीने में बहुत सारी कंपनी आगे चली जाते हैं, मतलब वो पूरा बन गया। बारिश में जब जैसे वो कीड़ा मकोड़ा उड़ता है ना, आपने देखा होगा बारिश हुई शाम को 3-4 बजे, 5-6 बजे कीड़ा मकोड़ा उड़ना शुरू होता है, 9 बजे उसकी लाइफ खत्म, पूरा उसकी पूरी जिंदगी उतनी है। तो कोई भी चीज को, पेड़ को बनने, आम के पेड़ को बनने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर सैकड़ों साल तक जो है फल देता है, मीठा फल देता है। तो ऐसे ही आपकी दूसरी लेग तीसरी लेग कब खड़ी होगी? जब आप मिस्टेक करना शुरू कर देंगे, ज्यादा मिस्टेक। एक मिस्टेक को बार बार नहीं करना है, हमको रिपीट नहीं करना है मिस्टेक को, हमको एनालिसिस करना है कि क्या चीज रही इसके अंदर। जब इस चीज को हम करना शुरू कर देंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ते जाएंगे। रोज हम इस जूम में कुछ ना कुछ चीज सीखते हैं, कुछ ना कुछ चीजें बात करते हैं, उसको हमको जो है रिपीट जब अगर हम बार बार करेंगे, तो हम आगे बढ़ने की हमारी गति बढ़ेंगे आगे, लेकिन धीमी हो जाएगी। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और गलतियां करिए आप में से, मैं आप सारे साथियों को इन्वाइट करना चाहता हूं कि आप क्या मिस्टेक करना चाहते हैं,
या आज की मीटिंग से क्या सीखा या क्या चीज आपने जो है प्रण लिया है कि भाई ये मिस्टेक करके हम ये करना चाहते हैं उस चीज के ऊपर में, तो साथी जो है सब साथी आमंत्रित हैं। आप अपना डिजिटली हैंड रेज करिए, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी कुछ बातें हम जानना चाह रहे हैं कि साहब हम जो है आज से कुछ और नहीं, ऑलरेडी आप कर रहे हैं लेकिन आज से कुछ और जो है और बेटर रूप में करेंगे। अच्छा, एक मिस्टेक जो है ना, आपको आपको लगता है कि आप मीटिंग में बोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये मिस्टेक भी करिए। हम सबको मौका देते हैं, यहाँ हम क्राउन एम्बेसडर से लेके जिन्होंने जो नए हैं उनको भी हम मौका देते हैं। हमको कोई नाराजगी नहीं होती है इस मीटिंग में बुलाने में, हम सबको बुला लेते हैं और हमें खुशी होती है, क्योंकि इसी मीटिंग में मैंने देखा बहुत सारे साथी बोलते 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 बहुत अच्छा बोलने लग गए हैं, वो बोलते 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 कुछ कुछ बिजनेस भी करने लग गए हैं, वो कुछ कुछ बिजनेस करते करते रॉयल्टी पे भी चले जाएंगे, वो रॉयल्टी पे जाते जाते फिर गोल्ड चले जाएंगे, गोल्ड से वो सफायर चले जाएंगे। तो शुरुआत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो करते करते हम जाएंगे। राखी विश्वास मैडम से शुरुआत करते हैं। जी मैम, माय रिचर्ज एवरीडे मॉर्निंग सर, मुझे प्लान सीखने की गलती करनी है, मैं सीख रही हूँ, मैं मीटिंग में जाके सीख रही हूँ, यूट्यूब में भी देख के सीख रही हूँ और अप्लाई भी कर रही हूँ। बहुत शानदार मैम, उसको लेकिन रिपीट करना है आपको मैडम ने, आपका आप जिस लेवल पे अभी आ गए हैं तो आपको बार बार अपने आप अपने हस्बैंड को भी आपको प्लान दिखा देना है, घर पे भी मतलब उसको रिपीट करना है, हमको जब कोई दूसरा नहीं मिले तो हस्बैंड वाइफ को ही दिखाना है। बहुत शानदार, प्लान को और बेटर बनाने में जो है आप मिस्टेक करना चाहते हैं, बहुत शानदार। कल्पना मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मुझे सेमिनार अरेंज करने में मिस्टेक करना है, क्योंकि मैं तो आगे से बड़ा सेमिनार करना चाहती हूँ, तो कैसे अरेंज करें उसमें मिस्टेक हो जाती है मुझे, और हिंदी बात बोलने में मिस्टेक करनी है सर, वो तो सीखना ही पड़ेगा, नेशनल में बिजनेस करना है, हर स्टेट में बिजनेस करना है मुझे, इसलिए हिंदी बात बोलने में मिस्टेक करना है। बहुत बढ़िया, दो मिस्टेक करना था जी, और कुछ नहीं सर, ओके थैंक यू। दो मिस्टेक करना चाहती हैं, दोनों ही बहुत शानदार मिस्टेक हैं। एक है कि सेमिनार तो कर रही हैं, ग्रुप मीटिंग होम मीटिंग सब कुछ कर रही हैं, लेकिन बड़ा सेमिनार आयोजित करने की मिस्टेक करनी है जिंदगी में। एक तारीख लिख दीजिए कि इस तारीख में एक बड़ा सेमिनार हमारा होगा, मतलब टेंटेटिव उसका जो है। दूसरा, हिंदी सीखने में, आपकी हिंदी तो बहुत ही शानदार होती जा रही है, मैं आपको जब से मैं जानता हूँ आपको बहुत कम हिंदी आती थी और धीरे 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 आपने बहुत इंप्रूव किया है इसको। तो ये मिस्टेक कब होती है, जब हम बोलते जाते हैं। ये मिस्टेक मैंने बंगाली सीखने की जो है 11.5 साल बाद की, तो मेरे को अभी जो है बहुत सारा समझ में आने लगी है उसको, कुछ कुछ बोल भी लेता हूँ लेकिन हिचक लगती है उसको, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं होता है, एनवायरनमेंट भी हमको जो है उसका बेनिफिट देता है। तो मैडम आप सीखिए, आपको बधाई हो, आप जो है मिस्टेक करती रहिए हिंदी बोलने की, आप जितनी मिस्टेक करेंगी बोलने की उतना जो आपको आप परफेक्ट होती जाएंगी, बहुत ही शानदार दोनों ही चीजें। और आगे बढ़ते हैं, स्वर्णलता मैडम आइए एक बार। जी मैम। जी मैम, सबसे पहले सर आज जो फर्स्ट मेरे माइंड में आया है कि जो हम प्लानर की बात करते हैं सर, तो जो मेरे प्लानर हैं जिन्हें हम धक्के से प्लानर बनाना चाह रहे हैं, शायद उन्हें अभी प्लानर नहीं बनना है, तो फर्स्ट गलती करूंगी उसके नीचे नया एक प्लानर रेडी करने की। और सेकेंड है सर, जो मेरी कुछ टाइम से फिजिकल मीटिंग्स जो है वो बंद है, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करती, अपने आसपास जो है सर कुछ दिन से, मतलब आप 20-22 दिन से मैं कुछ ग्रुप मीटिंग्स के लिए हॉल्स या कुछ रूम का अरेंज कर रही हूँ, तो उसे बहुत जल्दी सर, कल भी हम बात करके आए तो उसे बहुत जल्दी फिजिकल मीटिंग में कन्वर्ट कर दूंगी सर, ये मेरी सेकंड गलती होगी। बहुत बढ़िया, डिजिटल मीटिंग को फिजिकल में कन्वर्ट करेंगे और साथ में जो है हमारे प्लानर्स का, क्योंकि ये मिस्टेक हमें करनी ही पड़ेगी, अगर हमारा सपना बड़ा है तो हमको हर लेग का हमारा लीडर को कब बनेगा कि टीम नहीं चल रही, टीम तब चलेगी जब हम एक व्यक्ति को निश्चित करेंगे कि ये चलेगा, वो नहीं चलेगा तो दूसरा लाना है वहां पे हमें नीचे, क्योंकि उसको चलाने के लिए लेग आपकी है। बहुत सारे साथी देखते हैं कि अच्छा ये तो ये ज्वाइन कर लिया, अभी इनकी लेग, उनकी लेग नहीं है, वो आप ही की लेग है उसमें आपको, हाँ उनको उनको बहुत सारे उनके दो लेग तीन लेग में आपको नहीं एंट्री करानी है, उनके सिंगल साइड में ही आपको डालना है क्योंकि वो लेग आपकी है। बहुत शानदार, ज्योता मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर, मैं शुरू से ही एक मिस्टेक करती हूँ, अभी भी करूंगी, आप जितना सारा ऑफर देंगे ना सर, मैं सब कुछ अचीव करूंगी, और टीम को भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि वो अचीव करना है,
तब मैं आगे बढ़ूंगी, वो करती हूँ। और सर जो मिस्टेक मैं करती हूँ वो है प्लान सिखाना, मुझे भी करना है, मैं भी सीखे है और टीम को भी वो सिखाती है कि ये मिस्टेक करो नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगी। और अकेले छोड़ने का मिस्टेक करती हूँ, मैं खुद भी अकेले जाके इतना दूर आई है तो टीम को भी वही सिखाते हैं, पहले पहले मैं जाती हूँ उनके साथ, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ कि आपका बिजनेस, आपको ये सोचना है किसी का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, खुद को ही लीडरशिप के आना है और खुद को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आप अकेले जाओ। ये मिस्टेक मैं करती हूँ, खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी सिखाती हूँ टीम लीडर। बहुत बढ़िया मैडम, आपने मिस्टेक किया तो आप थाईलैंड जा रही हैं, क्योंकि जिन भी साथियों ने मिस्टेक किया था वो सारे लोग दिल्ली में हम 12-13 तारीख को मिल रहे हैं डायमंड क्लब में, पहले से रहते हैं तो ये है। बाइक ऑफर को भी आप अचीव कर रहे हैं तो वो मिस्टेक आप कर रही हैं, बहुत शानदार। और एक मिस्टेक आपने बताई कि मैं क्या काम करती हूँ कि अपने आप को भी खुद को भी अकेला छोड़ती हूँ, सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं करती और टीम को भी ये चीज सिखाती हूँ, इसके ऊपर बहुत ही शानदार चीज है कि आपके सीनियर का जहाँ बिजनेस है उसके अलावा नए इलाकों में आप अपना बिजनेस करिए, मतलब ये एक मिस्टेक करिए आप। बहुत सारे साथी बोलते हैं सीनियर आएगा हेल्प करेगा, आप तो इलाका ऐसा चुनिए जहाँ सीनियर का बिजनेस ही नहीं हो, ये मिस्टेक करने की जरूरत है आपको। तो बहुत शानदार ज्वेता मैम, बहुत ही जबरदस्त, ये मिस्टेक आप करते रहिए और अपनी टीम में प्लानर खड़े करते रहिए। देवभूषण जी आइए एक बार। यस सर। माइटे मॉर्निंग सर। जी सर, आज का आपका बातों से मुझे सीख मिला कि जो आपने बताया एकदम रियलिटी बताया, और मैं मिस्टेक एक करना चाहता हूँ कि जैसे मैं बड़े बड़े प्रोग्राम में करता हूँ और मैं अपने हिसाब से मैंने एक रिकॉर्ड को ब्रेक रिकॉर्ड दूसरे प्रोग्राम में करता हूँ, तो ये मिस्टेक मैं बार बार करना चाहता हूँ और बड़ा एक इवेंट के रूप में, बड़ा सेमिनार के रूप में मैं सफल में इवेंट कर सकूं, इस ये मिस्टेक करना चाहता हूँ। और दूसरा जो है कि शॉर्ट समय में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्लान लोगों को मैं समझा सकूं, और इसका मिस्टेक मैं खुद करना चाहता हूँ और अपने टीम में भी इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मिस्टेक करना चाहता हूँ। बहुत शानदार सर, डेट लिख दीजिए उस सेमिनार की तो होगा, फिर वो मिस्टेक होगी जैसे डेट लिखेंगे। बिना मैडम आइए एक बार। हमारी चाय द मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मैं प्लान तो दिखाती हूँ और चाहती हूँ जबरदस्त प्लान दिखाऊं और अपने टीम को भी सिखाती हूँ। और सर मैंने एक मिस्टेक करना चाहती हूँ, मैं 5-स्टार होटल में अपने टीम के साथ सेमिनार करना चाहती हूँ। बहुत शानदार मैडम, होगा, लिख दीजिए डायरी में। जो लिखेंगे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो है ना वो खाली नहीं जाता है, क्योंकि वो फिर हमको उसी रूप में उधर ही ले जाता है। आप इसको लिख दीजिए अपने साथ और सामने भी लगा दीजिए कि हमने एक जूम मीटिंग में जो है कितनी तारीख को, आज की तारीख डाल के कि भाई एक हमने एक सबके सामने 550 लोगों के सामने मैंने एक कमिटमेंट लिया है कि मैं 5-स्टार में अपनी टीम के साथ जो है एक सेमिनार करूंगी, ये मिस्टेक करूंगी। आप लिख दीजिए, होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत शानदार। नारायण बनी कोच जी आइए एक बार। बहुत शानदार जी सर। भाई सर आज गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं तो अभी मॉरीशस में लीडर ढूंढने का मिस्टेक में है। एक लेग में जैसा हम लीडर मिला वैसा लीडर ढूंढते ढूंढते हम दो लेग तीसरा लेग में लीडर ढूंढने का मिस्टेक कर रहा है। हम खुद को समर्पण कर दिया ये दूसरा लेग में हम पीछे ही सब इधर खड़ा करें। और मेरे सीनियर से भी हम डिस्कस करता है, एक लेग में मेरा जैसा लीडर निकला है दूसरा तीसरा लेग में हम कैसे सेम लीडर निकल सकेगा, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा नहीं कर पड़ेगा। मेरा दूर का एक लीडर है वो विजय पाल सर, उसका साथ हम डिस्कस किया, एक लेग मेरा जैसा चलता है और दूसरा तीसरा उसे सुनने से तो हम बड़ा इनकम में आ जाता है। उस लेग को भी ऐसा 4-5 लीडर कॉप हम देना पड़ेगा। हम तो खूब जाके फील्ड में समझाता है लेकिन लीडर बनना नहीं सकता है आदमी, उसको हम क्या करना पड़ेगा। स्टेट करिए लीडर बनाने की तो बनेगा सर। हाँ हाँ स्टेट करना है ना, एक टीम में बनाया वही चीज मैंने रखा था कि दूसरे साथी का, तो वही चीज आपको करना है सर। एक मिस्टेक किया, आप तो टीचर हैं सर, देखिए आपको बंगाली आती है, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आप टीचर हैं, मतलब क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है।
आपने एक लेग खड़ा किया इस बिजनेस में, आपकी 6-7 लेग में कुछ ना कुछ बिजनेस हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप जो प्रेजेंट करें किसी को लगता है कि आपकी आज अच्छा कुछ नहीं, आपकी 5-6 लेग में कुछ ना कुछ बिजनेस हो रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि जो ऑटो मोड में चल रहा है, आपकी जो चिंता, जो मिस्टेक, अब क्या मिस्टेक करनी है मुझे, पहली लेग में जैसे हमारे लीडर काम करना शुरू किया है, ऐसे ही हमको दूसरी लेग पे अपना टाइम किस पे देना है, प्लान सिखाने में, ड्रीम निकालने में, तो वो स्टार्टिंग से देखना है। तो वो मिस्टेक जब हम रोज रोज करेंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो दूसरा तीसरा चौथा होगा। लेकिन उसका एक डेट लिख दीजिए कि मेरी ये 2-3-4-5 लेग को जो है इस डेट तक हम इतने लीडर्स को खड़ा करेंगे। तो उसके लिए क्या करना, प्लान सिखाना है, ड्रीम बनाना है, उनके उनके साथ बार बार मिलना है, कंटिन्यूटी रखना है, क्योंकि गैप जितना ज्यादा हो जाता है फिर उससे नहीं होता। तो धीरे धीरे छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है ना, तो हमारी जो लेग में अभी बिजनेस नहीं है वो छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को केयर की जरूरत होती है मम्मी के ना। तो आप अपने टीम के दूसरी तीसरी लेग की क्या है, मम्मी है, तो उनको उसको केयर की जरूरत है। जैसे जैसे बड़े होंगे अपने आप पहली लेग वाला जो है वो अपने आप स्कूल जाने लग गया, तो वो सिचुएशन हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अरबिंदो मंडल जी आइए एक बार। मैनेजर आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। सर आज का जो टॉपिक्स है गलतियां से परिपूर्णता, ऐसा बहुत शानदार टॉपिक्स है। और आज जो मैं सीखा है, जो हमारा जो साथी है उसको मिस्टेक करने का मौका देना चाहिए। हम तो मिस्टेक करके करते करते हिंदी सीख गया, बोल पाता हुआ अभी अभी, पहले तो हमको हिंदी आती ही नहीं, अब कुछ कुछ आती है। तो और सर हमारा जो साथी है उसका उससे उसका जो ड्रीम है, ड्रीम लिखने का मिस्टेक हम कराता हूँ, मैं भी करती हूँ, और अपलाइन के साथ अपलाइन का पास सबमिट करना है खुद को, और जो साथियों है डाउनलाइन का हटलाइन का उसके हम बोलता हूँ जे क्या मिस्टेक होना चाहिए, मुस्कुरा के बात करना चाहिए, जो हमारे स्ट्रेंजर है उसको साथ सभी समय मुस्कुरा के बात करना चाहिए, नहीं तो हमारा टीम आगे नहीं बढ़ेगा, हमका टीम का व्यक्ति नहीं होगा सर, ये सर हम बोलता है। और एक बात भी हम आज सीखा है कि मिस्टेक को रिपीट नहीं होना चाहिए, मिस्टेक को बार बार रिपीट होने से वही मिस्टेक ही आ जाते हैं, मिस्टेक से हमको सीखना है, उसका सुधरना है, मिस्टेक से मिस्टेक का साथ हमको सुधरना है, को क्या मिस्टेक होता है अगली बार जो मिस्टेक के साथ हमका सुधरना है, हम नहीं करना चाहिए वो मिस्टेक, और मिस्टेक करने का शुरुआत भी होना चाहिए, ये हम आज सीखा है। और बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, हिंदी तो आपकी बहुत अच्छी हो गई अरबिंदो जी, बहुत शानदार, यही हम सीखा है सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उत्सव बैनर्जी आइए एक बार। जी सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। जी सर। सर आज के मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला सर, गलती तो हम लोग कर रहे थे और गलती से सुधारने का जो प्रोसेस है सीख लिया सर। तो पहला जो गलती मैंने किया था बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद सर, मेरे पास साइकिल था, मैंने ड्रीम में लिख लिया था सर मोटरसाइकिल मेरे को चाहिए जी, तो सर गलती किया था सर, आ गया उसको अभी सर, जब लिख दिया है सर 2 चक्का आया है तो 4 चक्का चाहिए मेरे को, वो भी हम डेट भी डाल दिया है कि 2026 को हम लेंगे वो उसको, ठीक है, तो डेट भी डाल दिया है सर। और सर जो और जो गलती कर रहे थे सर, बासु जी को लेके हम 100 लोगों का सेमिनार बनाने का कोशिश कर रहे थे, तो शायद 30-40 लोग आ रहे थे सर, तो उससे जो गलती हो रहा था हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था सर कहाँ हो रहा है गलती हमारा। तो आज के मीटिंग से मेरे को सीख मिला सर, उसी के अकॉर्डिंग हम टीम को भी काम करेंगे और हम खुद भी काम करेंगे और टीम को भी खिलाएंगे सर। और तीसरा सर जो प्लान दिखाने वाला गलती, वो तो हम करते ही हैं सर, और टीम को हम सिखा रहे हैं कि गलती करते रहो करते रहो, गलती करते रहोगे तो टीम भी बन जाएगा, सब भी हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा सर। तो आज के मीटिंग से सर बहुत अच्छा सीखने को मिला सर, थैंक यू सर। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, अच्छी चीज ये है। पार्था विश्वास जी आइए एक बार। मैनेजर मॉड सर,
आज मैंने सर मिस्टेक करे सर सेमिनार में बात करने की मिस्टेक करना है मुझे, और डॉक्टर इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब जॉब वाला जो जॉब जो जो लोग है उससे बात करने की मिस्टेक करना है सर, और तीसरा है सर स्ट्रेंजर लोगों से बार बार बात करने की मिस्टेक करना है मुझे, ये तीन मिस्टेक मुझे करना है। और सर हिंदी में थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ सर बात करने की, लेकिन कभी कभी हिंदी में बांग्ला भी हो जाता है, तो ये कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बात कैसे करूँ, ये बार बार मिस्टेक में करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, आपकी तो हिंदी बहुत जबरदस्त हो गई है सर, पिछले 3-4 वीक में ही आपका हिंदी तो बहुत शानदार हो गया, मतलब आप रोज इसको कर रहे हैं, पहले से भी आता था लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत जबरदस्त हो गया। आपने एक अच्छी बात की, डॉक्टर इंजीनियर को भी मैं प्लान दिखाने की जो बात करने की मिस्टेक करना चाहता हूँ। मैक्सिमम क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा फालतू काम मेरे लिए है क्या, या वो बोलेगा अरे यार ये तो इंटरेस्टिंग है यार, तुम बताओ न्यूट्रिशन की तो बहुत डिमांड चल रही है आजकल, ऐसा है क्या क्या कंपनी दिखाइए करके, वो ही जाके आपका लेबल जो सारा है ना, जो बहुत सारा आदमी एक्सपर्ट बन जाता है उसके लिए डॉक्टर आपका पड़ेगा कि दिखाओ क्या क्या लिखा है, तो आपको या तो हम कोई गलत बोल रहे हैं तो वो बताएगा कि भाई ये क्यों नहीं है इस लेबल के ऊपर, या वो बताएगा यार लेबल बड़ा परफेक्ट है, ये चीजें बहुत जबरदस्त लिखी है यार, बहुत अच्छी कंपनी है बहुत है, तो क्या होगा दोनों में से, या तो आपको ना करेगा या हाँ करेगा, तो ये मिस्टेक करने की जरूरत होती है, क्योंकि अपने से ज्यादा क्वालिटी के लोगों को हम जब प्लान दिखाने की उनसे बात करने का साहस करेंगे तभी हम जो है वो मिस्टेक जो हमारी पीढ़ियां करते आ रही थी उस मिस्टेक को एक नई मिस्टेक से हम सुधार देंगे। बबीता राठी मैडम आइए एक बार। जी मैम, पहला मिस्टेक तो मुझे करनी है कि प्लान दिखाने की, वो मिस्टेक हमको करना है, और अपने से ऊपर के हाई लेवल से बात करने की वो मिस्टेक हमेशा मेरे को करनी है, कर रही हूँ और आगे भी और करनी है, और हर मंथ में जो पारिया सर से जो मैंने मीटिंग का जो ये किया ये मिस्टेक जो कर रही हूँ वो आगे चल के हमेशा मुझे मिस्टेक करनी है, और मेरे को भी खुद को अपने आप में प्लान बड़ा एक सेमिनार छोटे छोटे इसके अंदर करके बड़े सेमिनार के तक पहुंचने की ये मिस्टेक मेरे को करनी है, ये मेरे तह दिल से हमेशा की इच्छा है। बहुत बढ़िया। और मेरे को एक गाड़ी ये 2023 में एंड ऑफ द मंथ दिसंबर में ये मिस्टेक सबसे बड़ी मेरे को एक मिस्टेक करनी है, ये नहीं है जो आज तक मेरे घर पे कोई भी लेडीज ने इतना आगे चल के ये मिस्टेक नहीं किया, वो मिस्टेक करके मुझे एक दिखाना है कि हम भी एक कुछ कर सकते हैं। बहुत शानदार मैडम, आपकी सारी चीजें होंगी, आप अगर लिखित में उसको करके रोज अपने आप से पूछेंगी तो निश्चित रूप में होंगी। एक बार सुचित्रा मैडम आइए। माय टीचर्स आई विद द मॉर्निंग सर। जी मैम, प्लान देखते तो मिस्टेक कोडी মিস্টেক আমরা জানি যে ছোট বাচ্চা হাঁটতে গিয়ে পড়ে যায় পড়তে পড়তে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়ানো শেখে, তো আমিও মিস্টেক করছি, প্ল্যান দেখানোর মিস্টেক, টিম তৈরি করা, আমার লিডার তৈরি করতে পারছি না সেটার জন্য মিস্টেক হচ্ছে আমার, বুঝতে পারছি, তো আমি শুধরানোর চেষ্টা করছি যে কি করে টিমের মধ্যে 12টা আমি লেডিস লিডারকেই দাঁড় করাবো, এটা আমার একটা নিজের টার্গেট যে আমি করবোই করবো। স্যার কথাটা আমার খুব ভালো লাগে যে মিস্টেক তো করছি, যেমন প্ল্যান শোধিতে গিয়ে ডায়মন্ড ক্লাব বলতে যাচ্ছি হয়তো 10 জনকে বলছি, 1 জনকে করতে পারছি, তো আমার কি মিস্টেক হচ্ছে সেটা আমাকে শুধরাতেই হবে, কেন 10 জনকে দিলে আমার 1 জন হচ্ছে, আর ডায়মন্ড ক্লাব দেখানোর জন্য আমরা ভয় পাচ্ছি কেন, নিজে তো ভয় পাচ্ছি, এটাকে আমাকে শুধরাতেই হবে, যে আমরা প্ল্যান দেখাবো তো দেখাবো ডায়মন্ড ক্লাবই দেখাবো, যখন আমরা দেখছি যে না ডায়মন্ড ক্লাব পাচ্ছি না তো জয়েন করেই আসবো, এটা একটা টার্গেট আমার আমার মিস্টেক হয়। আর সব থেকে বড় আমরা যে সেমিনার গুলো করছি, বড় সেমিনার মাসে একটা করে করতেই হবে, এটাও একটা মিস্টেক আমি নিজে মনে করি, সেমিনার না করলে মানে আমাদের শুদ্ধানো সম্ভব না। তারপরে তৃতীয় নম্বর মিস্টেক হচ্ছে যে আমরা লিডারকে খাড়া করতে পাচ্ছি না, আমার অন্তত হচ্ছে না, এদিকে তৈরি করছি এদিকে আবার ভেঙে যাচ্ছে, আবার নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে, তো এটা আমার বড় মিস্টেক স্যার যে লিডারকে কি করে আমি খাড়া করবো, তো আমি খুব চেষ্টা করছি জুম মিটিং এর মাধ্যমে, বা জুম মিটিং এর আরেকটা মিস্টেক হচ্ছে যে আমি লোককে জুম মিটিং এ আনতে পারছি না, এটাও আমার বড় মিস্টেক, 6:30 ঘুম থেকে উঠছেই না, তো এটাও চেষ্টা করছি স্যার কি করে তা আনানো যায়, স্যার আমার মিস্টেক
बहुत शानदार मैडम, आपने बताया कि भाई डायमंड क्लब का जब मैं चार को दिखाऊंगी तो एक करेगा निश्चित रूप में। देखिए दुनिया में अगर हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा कि असफल लोग, तो सक्सेसफुल लोग कम, ज्यादा बड़े घर कम लोगों के पास कि ज्यादा लोगों के पास, कम लोगों के पास, ज्यादा पैसा किन लोगों के पास, कम लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास, तो कम वाले में जाना कि ज्यादा वाले में जाना। कम वाले में जाना तो डायमंड क्लब कराना है। डायमंड क्लब सब नहीं करेंगे, लेकिन आपकी टीम में अगर 100 लोग करेंगे तो 6 लाख बीवी होती है, 6 लाख बीवी आपको जो है 1 लाख इनकम देती है। 100 लोग अगर डायमंड क्लब आपकी 6 लेग में अगर कर रहे हैं तो आपका जो है 1 लाख इनकम आती है। तो हमको करोड़ लोग नहीं चाहिए, हमको 100 लोग हमारी टीम में क्या 6 लेग में डायमंड क्लब कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, आपने जो लीडर को खड़ा करने का बोला तो वो करते करते होगा 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 होगा, तो वो मिस्टेक जब करते रहेंगे तो सुचित्रा मैडम बन जाएंगे, बाकी भी धीरे धीरे। सुचित्रा मैडम को भी बनते हुए हमने देखा है, तो 2018 से लेके 2023 की जो आपकी गति है, तो वो धीरे 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 करके आपने ठान लिया, बन गए। आपने ठाना कि मैं अपने फैमिली की पहली डबल डायमंड लेडी बनूंगी, तो बनी, क्योंकि ये मिस्टेक करने का आपने ठाना। यही मिस्टेक जो है करते जाएंगे हम, होते जाएंगे आगे। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मंजू राठौर मैडम आइए एक बार। जी मैम। मॉरीशस बोटिक सर। जी मैम। सर मैं तो पहले तो अपना मतलब रॉयल्टी लेने का मिस्टेक करूंगी। जी। दूसरा मुझे डायमंड बनाने का मिस्टेक करूंगी अपनी टीम में, और प्लान देखने का मैं मिस्टेक करूंगी सर, और अपनी टीम को उस बड़े सेमिनार में लाने की मिस्टेक करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोद जी आइए एक बार। अमोद कुमार जी। जी सर। सर मॉर्निंग सर। जी सर। मैं सर सबसे पहला मिस्टेक करना चाहूंगा सर, अजनबियों से बात करना चाहूंगा, अधिक से अधिक अजनबियों से बात करना चाहूंगा जी। और दूसरा मिस्टेक ये करना चाहूंगा सर कि मैं अपने टीम में अधिक से अधिक प्लानर कैसे खड़ा हो उसके वो करके मैं मिस्टेक करना चाहूंगा। और तीसरा मिस्टेक ये करना चाहूंगा सर कि मैं जो अपना रैंक है रैंक के मुताबिक रॉयल्टी लेने का मिस्टेक करूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। ये आपके लिए बहुत आसान है करना सर, क्योंकि आपका एक अपना एक रेपुटेशन है, आपका एक सर्किल है, आप टीचर हैं, आप बीएलओ हैं, आपको बहुत सारे लोग जो है, आपके लिए बहुत आसानी से ये तीनों ही चीजें आप कर पाएंगे सर, आपने जो अपने लिए लिखे हैं, बहुत शानदार। दिलीप छेत्री आइए एक बार। दिलीप छेत्री जी। हमारी सर मॉर्निंग सर। जी सर। मुझे ये गलती करना है, जो मेरे को जो गलती करना है वो है टीम को जो सेमिनार होता है, जो हफ्ता में जो सेमिनार करता है उसमें टीम को उसके प्लान शो दिखाने का वो गलती करवाना है, क्योंकि मेरे साथ जो जैसे प्लानर निकल जाते हैं तो उसमें मेरे को सपोर्ट होगा, क्योंकि और एक गलती करना है, मैंने जो 2023 का जो एंड में जो 4 लेग जो मेरा चल रहा है, 4 लेग में से चारों लेग में से एक एक सिल्वर डायरेक्टर निकालना है मेरे, वो डेट भी लिख दिया है, वो भी मेरे को गलती करना है। और बड़ा सेमिनार जो महीने में बड़ा सेमिनार जो हॉल प्रोग्राम मेरे को करना है, वो एक बासु सर को लेके मैंने डेट भी फिक्स कर दिया, लेकिन अभी बासु सर से बात नहीं हुआ, मैंने लिख दिया हूँ कि बासु सर को लेके एक बड़ा सा सेमिनार करना है हॉल में, वो भी मुझे गलती करना है। वो मैं हो सके तो मेरे लीडर को लेके महीने में एक बार बड़ा सेमिनार करना, वो गलती मुझे करना है। और है सर मेरे को और भी गलती करना है, क्योंकि जब सपने मेरा है तो सपना में उतरने के लिए गलती मुझे ही करना है, जैसे जी सर वो जैसे। बहुत शानदार सर, बहुत ही बढ़िया सर। दिलीप छेत्री जी, आप जितनी भी मिस्टेक आप करेंगे ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, बहुत ही शानदार आपका जो है मिस्टेक आपने करने का डिसाइड किया है। अरुण जी आइए एक बार। अरुण कुमार जी। जी माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। मिस्टेक की इस कड़ी में एक मिस्टेक जो मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, जो जब से डायमंड क्लब शुरू हुआ है और कंटिन्यू डायमंड क्लब अभी तक कर रहा हूँ, जिससे ये फायदा हुआ 10 से 15 हजार का जो प्रोडक्ट है ऑटोमोटिव मेरा बिक जाता है जी। इसके बाद सर ड्रीम और
संकल्प की डायरी को डेली पढ़ने का मिस्टेक, अनजान लोगों से बात करने का मिस्टेक, और एक जो बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया हूँ जो डायरी में लिख दिए हैं, जो 23 सितंबर को हमको डायमंड डायरेक्टर बन के सेलिब्रेशन में जाना है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सर, एकदम स्पेसिफिक मिस्टेक्स कि भाई ये मिस्टेक हम करेंगे ही करेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है, बहुत ही बढ़िया। सांत्वना मैडम आइए एक बार। मैडिटेट मॉर्निंग सर। सर होम मीटिंग मिस्टेक करते करते मैं खुद सैटरडे में एक सेमिनार कर रही हूँ, ये मिस्टेक मैं करना चाहती हूँ। और सर हिंदी बोलना मिस्टेक करना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात है हिंदी बोलना मैं मिस्टेक करना चाहती हूँ। और सर मैं डायमंड मेरे हॉटलाइन को मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो डायमंड क्लब ऑफर कंपनी जो देते हैं तो देते हैं, मैं खुद टुकड़ा टुकड़ा करके उसका उसके लिए एक ऑफर देती हूँ, ये मिस्टेक मैं करना चाहती हूँ। और टेन लेक में मैं लीडर बनाना चाहती हूँ, ये मिस्टेक मैं करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम, हिंदी तो आपकी बहुत शानदार हो गई है मैडम, बहुत जबरदस्त हो गई है, बहुत शानदार। सुरेंद्र जी आइए एक बार। जी सर। मोनी सर। जी सर। सर पहली 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 गलती तो सर ये करना करना चाहूंगा कि सर जितनी भी मेरी टीम में लोग प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्लानर बनाना है, और उनको सबसे स्मार्ट कंज्यूमर के बारे में पूरी जानकारी देना है, जिससे कि वो डायमंड स्मार्ट कंज्यूमर से डायमंड क्लब में कन्वर्ट कर सके। और दूसरा यह है कि सर उनकी उनको ड्रीम 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 लिस्ट बनाना, और उनको जो उनके परिवार में जो चीज उन्होंने अचीव नहीं करी उनके बारे में उनको रियलाइज करवाना, वो गलती बार बार करवाना उनसे, ये चीज मैंने सीखी सर। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त। विद्युत साहा आइए एक बार। विद्युत अच्छा मॉर्निंग सर। जी सर। सर पहला मिस्टेक है, ऐसे तो बहुत सारा मिस्टेक होता है, तो पहला मिस्टेक है सर हम जूम में जब आते हैं तो बोलने का जो मिस्टेक हम करते हैं, तो हम ही सुधारेंगे खुद को। और दूसरा है सर कम्युनिकेशन जो गैप हो रहा है बहुत, तो हम चाहते हैं कि जो दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे उसका जो माइंड है क्या चल रहा है, अगर बार बार इसको हम गलती से अगर उसको बार बार करेंगे तो दूसरा वाला जो है माइंड को हम पढ़ सके, जैसे कि आगे हम उसके साथ बिजनेस कर सके। जी। और सर जो मेरा जो लिस्ट जब था तब तो खत्म हो गया था, तो अभी हम स्ट्रेंजर का लिस्ट आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेंजर का लिस्ट कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आया हूँ, अगर जब हम इनवाइट करते हैं तो कोई बोलता है कि मैं ज्यादातर लोग बोलता है कि मैं बिजी हूँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो यही गलती हम बार बार करते हैं। और हम जानना चाहता हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा क्यों बोल रहा है, जब हम इनवाइट करते हैं तो क्यों बोल रहा है कि मैं बिजी हूँ, तो यहाँ भी हमको सुधरना है, ऐसा क्या बोले जो हम मैक्सिमम लोग यस बोले। बहुत बढ़िया, ड्रीम छोटा है इसलिए होता है। और एक दूसरा चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ छोटा सा, कि जो साथी आपका ठीक है ग्रुप मीटिंग होम मीटिंग तो ठीक है, सेमिनार में आपको लगता है कि नए साथियों को लेके आना जो आपकी टीम में नए आए हैं या अभी आने वाले हैं, तो उनको आपको साथ बिठा के लाना पड़ता है, आप बोलेंगे कि आप आ जाइए, बोले आ ही रहे हैं बस पहुंच ही रहे हैं, उससे नहीं होता है, क्योंकि उनका ड्रीम खुला ही नहीं है, वो मिस्टेक करने के लिए वहां आए नहीं, वो उन्हीं मिस्टेक्स पे बढ़ रहे हैं जो उनकी सात पीढ़ियों ने की है पहले से, तो उनको क्या है हमको बाइक पे गए साथ बिठा के लिए, अपनी गाड़ी में बिठा के लिए, जहां पे भी चले साथ लेके चलना है, हाथ पकड़ के जो है वो साथ लेके आना है, जब वो माहौल जब देखते हैं तब व्यक्ति जो है बिजनेस को करने का डिसीजन लेता है। सुधीर जी आइए एक बार। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। जी सर, आज के मीटिंग से हमने ये सीखा है कि हमको भी अब गलती करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टीम में सेमिनार नहीं होता है तो मैं खुद ही रिस्क लूंगा कि आगे से मैं खुद सेमिनार करूं, चाहे 10 आदमी का हो या 20 आदमी का हो। और 24 में सर माय रिचार्ज के कार फंड से हमको कार लेना ही है, ये मिस्टेक तो मैं जरूर करूंगा, ये मेरा संकल्प है सर।
बहुत शानदार, दोनों को डायरी में लिखिए सर, और उसके ऊपर आज से जो है फैमिली के साथ रमिता मैडम के साथ बैठ के जो है अपने बच्चों को बिठाइए, साथ में प्लान करिए, तो दोनों चीजें होंगी, कोई नहीं रोक सकता है। संजीव जी आइए एक बार। सर मैं शायद मॉर्निंग सर। जी सर। सर हमें मुस्कुराने की सर यानी कि मिस्टेक करना है, और नए लोगों से यानी कि नए नए लोगों से बात करने की मिस्टेक करना है, और टीम को सर प्लान दिखाने के यानी कि मिस्टेक करवाना है। टीम सर प्लान दिखाने के लिए सर सीखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, ये सब करना है। वो तो आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा ना सर, खुद बोलेंगे कि ये मेरी टीम में अच्छा होगा तो वैसा, तो थास्तु कर देता है ना ऊपर वाला, तो उसको हमको चेंज करना है। सबसे पहले 10 में से एक भी अच्छी चीज कर रहा है तो उसके हमको तारीफ करना है, तो वो करेंगे तो धीरे धीरे होगा। वो मिस्टेक कब होंगे, जब हमारी डायरी में सारी चीजें हमारे पास लिखेंगे। रंजीता मैडम आइए एक बार। जी सर, माइडी चाहिए आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी पांडे जी बहुत बताइए। सर मैं अभी होम शॉप ही खुलवाने का मिस्टेक किया है सर। अच्छा। और जुलाई में फ्रेंचाइजी खुलवाने का मिस्टेक करूंगा। बहुत बढ़िया। 2024 में सर अपने इलाके में माई रिचार्ज का CNFO, इसका बहुत बड़ा मिस्टेक करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। और जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा, ये मिस्टेक तो मैं कर चुका हूँ सर। और माई रिचार्ज में अपने सपनों को पूरा करूंगा, इसके लिए हर छोटा छोटा बड़ा बड़ा जितना मिस्टेक करना हो सर करूंगा। तो अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर निकले, इसके लिए पहला लीडर्स मीट जो है मिस्टेक कर दिया है सर, डेट निर्धारित कर दिया है, और इसके बाद सेमिनार करने का मिस्टेक करूंगा सर। बहुत शानदार सर, बहुत ही जबरदस्त। देखिए हमारे पास अभी बहुत सारे साथी रह गए, वेट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि घड़ी मेरे को इजाजत नहीं देती है, लक्ष्मी मैडम, दाऊद आलम, विक्की सिंह जी, राखी चौधरी, शिवानी मैडम, रॉबिन जी, आपको हम ये मिस्टेक करने की या बुलाने की जो है अगली की मीटिंग में जो है मौका देंगे। अभी आप मेरे को ये मिस्टेक करने का मौका दीजिए कि आज का टाइम खत्म हो गया है, कल एक बहुत शानदार सेशन के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय मारी चार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।